नमस्कार दोस्तों, नीलूज़ होम किचन में आप सभी का स्वागत है। आज हम चिकन की एक बहुत ही चटपटी रेसिपी बनाने जा रहे हैं, जिसका नाम है पेपर चिकन। ये जितनी देखने में सुंदर है ना, खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है और ये आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सबसे पहले हम चिकन को मैरिनेट कर लेंगे, जिसके लिए हमें आधा किलो चिकन लेना है। उसको अच्छे से धो करके साफ़ कर लेना है। अब इसमें आधा चम्मच नमक डाल देना है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, एक नींबू का रस डाल देना है और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला करके ढक्कन लगा करके 30 मिनट के लिए फ्रिज में चिकन को रेस्ट पर रख देना है। ग्रेवी के लिए हमें 4 से 5 कटे हुए प्याज, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 बड़ा लहसुन, 4-5 लाल मिर्च, 2 चम्मच सौंफ, 25-30 काली मिर्च की ज़रूरत है। अब एक कढ़ाई में 1 टेबल स्पून सरसों का तेल गरम कर लेंगे। उसमें 1.5 चम्मच के करीब सौंफ डाल देंगे। उसको तड़कने देंगे। जब सौंफ तड़कने लगेगी तब 25 से 30 काली मिर्च डाल देंगे। अब 5 से 6 लाल मिर्ची डाल देंगे और इनको भून लेंगे। अब कटी हुई प्याज डाल देंगे। कटी हुई अदरक डाल देंगे। कटा हुआ लहसुन की कलियां डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को तेज आंच पर 5 मिनट के लिए भून लेंगे। जब ये सब अच्छे से भून जाएगा, बहुत ज़्यादा इनको नहीं भूनना है कि इनको हमें ब्राउन करना हो, बस हल्का सा भून लेना है, तो इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और फिर इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने पर हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब उसी कढ़ाई में 1 टेबल स्पून सरसों का तेल और ऐड करेंगे और अच्छे से गरम कर लेंगे। अब जो हमने आधा चम्मच सौंफ रखी थी, उसको तड़के में डाल देंगे। जब सौंफ तड़क जाएगी तो मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें मिला देंगे। चिकन को तेज आंच पर 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। अब जो हमने पेस्ट बनाया था, उसको चिकन के साथ थोड़ा सा पानी डालते हुए भून लेंगे। आंच को अब हमें मीडियम कर देना है और ढक्कन लगा करके 10 मिनट के लिए चिकन को भुनने देना है। 20-20 में हमें चिकन को चला लेना है। एक चम्मच नमक हम और ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढक्कन लगा करके चिकन को पकने देंगे। दस मिनट बाद देखिए, जब हमारा चिकन अच्छे से पक जाएगा तो अब आंच को हम तेज कर देंगे और कुछ देर चिकन को और भून लेंगे। जब किनारों पर हमें तेल नज़र आने लगेगा तब इसमें पानी डाल देंगे
एक कप के करीब पानी डालना है। जैसी आपको ग्रेवी रखनी हो आप अपने हिसाब से पानी डालिए। मुझे थोड़ा कम लग रहा है तो मैं आधा कप पानी और डाल रही हूँ। इसकी ग्रेवी को आपको थिक ही रखना है, 5 मिनट के लिए मीडियम आंच पर इसको और पका लेना है। कटी हुई धनिया पत्ती डाल देंगे। लीजिए, हमारा चटपटा काली मिर्च चिकन बनकर तैयार है। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। देखिए कितना सॉफ्ट चिकन बन गया है, मैंने आपको काट कर भी दिखाया। तो प्लीज़ एंजॉय कीजिए पेपर चिकन और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।